माँ के भाल पर सजीव स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। नमस्कार, मैं अनु दीपक काद्यान विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सज्जनता और सरलता के प्रति माननीय राजदूत महोदय श्री बंदारू विल्सन बाबू जी, चांसरी प्रमुख श्रीमती मणि अग्रवाल जी, अन्य भारतीय कार्यरत अधिकारी, स्थानीय कर्मचारी एवं उपस्थित अतिथिगण, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने नृत्य से सराबोर करने के लिए आ रही हैं हमारे राजदूतावास में हिंदी सीख रही छात्रा लोरेन, जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाइए लोरेन। नमस्ते, मैं थियरी हूं। मैं भारतीय राजदूतावास अंतरनारीवो में हिंदी सीख रहा हूं और आपके सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। हैव अ गुड लिसन। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत गाथा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कलजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। गौरव के साथ धन्यवाद। बहुत ही बेहतर प्रयास। धड़कन में बसी है हिंदी, हिंदी हिंद की शान है। बोलूं बेशक कोई भाषा, हिंदी ही मेरी पहचान है। अपने कुछ ऐसे ही शब्दों के माध्यम से एक हिंदी कविता की प्रस्तुति के लिए आ रही हैं कुमारी मियारी। तालियों से उत्साह बढ़ाइए।
नमस्ते, मेरा नाम याही है, मैं भारतीय राज्य सभा में काम करती हूँ। मैं आपको हिंदी भाषी शुभकाम देती हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हो में वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बड़े चलो हिंदी की दादा को आके देखी दादा माँ की कंते भी देखना फुल बन जाएंगे पापा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम यह आयोजन कर रहे हैं। भाषा का प्रचार और प्रसार केवल हिंदी कविता के माध्यम से ही नहीं, अभी तो चित्र के माध्यम से भी किया जाता है। तो ऐसा ही एक बेहतर प्रयास किया है हमारे राज दूतावास में हिंदी सीख रही छात्रा ने अपने चित्र से। बहुत ही सुंदर प्रयास, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लीडी के लिए। ऐसे सज्जन है, वंदनीय है, निज भाषा का जो सम्मान करें, हिंदी कहकर हिंदी लिखकर हिंदी में हिंदुस्तान करें। तो हिंदी लिखकर और हिंदी बोलकर अपने संवाद को लेकर आ रहे हैं थेरी और सलीमा। नमस्ते सलीमा। नमस्ते थेरी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। कल तुम कहाँ थी? मैं कल विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम में गई थी। अरे, विश्व हिंदी दिवस का कोई कार्यक्रम होता है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। चलो मैं तुम्हें इस दिन का विशेषता बताती हूँ। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। विदेशों में भारत के दूतावासों में इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? हिंदी दिवस सबसे पहले 10 जनवरी 2006 में मनाया गया, लेकिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। अरे वाह, यहाँ तो तुमने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे से मैं भी हिंदी दिवस की कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करूंगा। धन्यवाद सलीमा। इसी के साथ आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान कराती है। इस हिंदी दिवस पर अपने वतन, अपने प्यारे हिंदुस्तान को याद करते हुए मैं अपने सहभागियों के साथ एक देशभक्ति भरा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मियारी, थेरी और सलीमा को। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, हे वतन मेरे वतन, तुझ पे
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। इस हिंदी दिवस पर हमने ठाना है सबके दिलों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, पढ़ना है पढ़ाना है, सबको हिंदी सिखाना है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं, जब हम कुछ ठान लेते हैं तो असंभव को संभव बनाना भी हमारे हाथ में होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे राज दूतावास में जो कक्षाएं आरंभ हुई हैं हिंदी की, उन सब का परिणाम आप सबके सामने ही है कि यहाँ के स्थानीय निवासी कितने अच्छे तरीके से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी सीख ली है उन्होंने। यहाँ के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिंदी सीखने में भाग लिया है, एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है यह बोलते हुए कि मुझे यह अवसर प्रदान हुआ है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को मैं हिंदी सिखा रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, मैं ही नहीं हम सभी प्रचार प्रसार विदेशों में कर रही हैं। जब बात कुछ कर दिखाने की, सीखने और सिखाने की हो रही है तो इसके ऊपर मैं एक कविता बोलना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। अभी स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक छोटी सी वीडियो चलाई जाएगी, आशा है आप सभी उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे।
स्वच्छ भारत नमाम्यहम्।